इस तरीके से आप जल्दी से छोड़, इस तरीके से आपको। जैन दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि आज की वीडियो हम आपको सिखाने वाले हैं, यदि सामने वाले दुश्मन के हाथ में गन रहे और यदि आपको गन से मारने की कोशिश कर रहा है, या फिर मारने के लिए आया, फिर आपको चमकाने के लिए आया, या फिर डराने के लिए आया, तो आप किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं और किस तरीके से सामने वाले को मजा चका सकते हैं। देख सकते हैं हमारे हाथ में गन है और ये जो गन है वो भी टूटी फूटी गन है, इसमें टेप लगा हुआ है, प्लास्टिक की गन है। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, रियल की गन तो मैंने अभी तक देखी भी नहीं है। इस तरीके की पिस्टल नकली ही देखी और मेरे हाथ में भी नकली है, जो कि 20 रुपये में हम मार्केट से लेके आए हुए थे। तो देखिए किस तरीके से, पहले तो मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से गन को रखा जाता है। देखिए पहली कंडीशन में इस तरीके से माथे पर गन को उड़ाया जाता है, दूसरी कंडीशन में इतनी दूर रहता है सामने वाला, और तीसरी जो कंडीशन है उसमें इस तरीके से पीछे की साइड उड़ाकर ऐसे करके, और चौथी कंडीशन में सामने वाला जो दुश्मन रहता है वो दूर रहता है। याद रखें इन कंडीशन, अधिकतर ये कंडीशन आपने फिल्मों में भी देखा होगा और रियलिटी में भी ऐसा होता है। देखिए मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ प्लस पॉइंट में, कि जिसको गन, यदि आपको गोली यदि मारना है तो वो डायरेक्ट ऐसे करके और बातें नहीं करेगा, जिसको मानना रहेगा सीधी सी बात है वो लोड करेगा और मार देगा। वो इतनी माता पच्ची नहीं करता है कि भाई वो ऐसे करके और इस तरीके से रखेगा, आपसे बात करेगा ऐसे कर, ऐसा नहीं होता। हाँ यदि आपको चमकाना है, डराना है, तो फिर वो इस तरीके से रखेगा और आपको डराएगा धमकाएगा कि मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जिसको एक्चुअल में दी रियलिटी में दी गोली मारना रहता है, वो डायरेक्ट लोड करता है और मार देता है। और याद रखें दोस्तों, यदि आपने किसी को थप्पड़ मारा है तो वो आपको थप्पड़ ही मारेगा, लेकिन यदि आपने किसी को जान से मारा है या फिर गोली मारा है तो सीधी सी बात है वो भी आपको गोली मारेगा। आपने या तो उसकी बहन के साथ कुछ बुरा काम किया, या उसके घर वालों को जान से मार दिया, या फिर ऐसा आपने काम किया जिससे कि उसको मतलब ज़्यादा ही मेंटली वो टॉर्चर हो गया है व्यक्ति, जब जाके कहीं आपको सामने वाला गोली मारेगा। ऐसी नॉर्मल फाइटों में गोली नहीं मारता कि भाई मोहल्ले में छोटी मोटी लड़ाई हो गई, उसने गन निकाली और गोली मार दी, इतना ऐसा नहीं होता। जिसके पास बंदूक रहती, माउजर रहती, इतना तो वो खुद समझदार रहता है, और समझदार रहता है जब भी उसके हाथ में गन रहती है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो सामने वाला दुश्मन गन से नहीं मारता, बंदूक से नहीं मारता, लेकिन यदि ज़्यादा कंडीशन हो जाती है तो जब मारता है। लेकिन यदि आप मार्केट में रोड फाइट में यदि सामने वाला दुश्मन आपको चमका रहा है या फिर आपसे पैसे मांग रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो ये कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन में आप किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, ध्यान से देखें आप। देखिए इस तरीके, सबसे पहले मैं आपको स्पीड में करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर आराम से मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए इस तरीके से जब भी ये दूर रहती, देखिए मैं आपको बता दूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ट्रेनिंग से। जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन आप वीडियो देखते हैं, आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपके अंदर? तो आप बिल्कुल वीडियो देखें भी और कंटिन्यू ट्रेनिंग भी करें। देखिए इस तरीके से सामने वाला दुश्मन यदि आपको चमकाता है कि पैसे निकाले या फिर एनी वे जो भी, तो आप किस तरीके से छोड़ा सकते हैं? देखिए ये खड़े हुए हैं अपन सिंपल ऐसे करके, इस तरीके से आप जल्दी से छोड़ा सकते हैं। दोस्तों याद रखें, जितना आसान छुड़ाना, जैसे मैंने छुड़ा के दिखाया, उतना ही आसान होता है, लेकिन कब? जब आप ट्रेनिंग करेंगे। जब आप ट्रेनिंग ही नहीं करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। किस तरीके से, देखिए एक बार और मैं आपको थोड़ा सा आराम स्पीड में करके दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से गन गिर गई, बेटा फिर से उठाना पड़ेगा एक बार और। देखिए ये रखा हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से। उसके बाद आप सीधा क्या कर सकते हैं, मेन पॉइंट पर मार सकते हैं या फिर किक मार सकते हैं। इसको मैं आराम से करके दिखाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, देखिए गोली बंदूक जो रहती है, मतलब बंदूक की जो गोली रहती है वो कहाँ से निकलती है? इधर से निकलती है, जो उसकी नाली जो रहती है इधर से निकलती है। आपको क्या करना है, इतनी जगह को ही क्या करना है आपको छोड़ना है। तो आपको क्या करना है, इस वाले हैंड को इस तरीके से रखना है ऐसे करके, और अपने हेड को इस तरीके से हटाना जल्दी से, कैसे करके? ऐसे करके हटाना। देखिए किस तरीके से, ऐसे करके आपको हटाना, ताकि ये वाली जो रेंज है वो इस रेंज से अपन हट जाए। यदि सामने वाले के हाथ से यदि गोली चल भी जाती है, यदि ट्रिगर दब भी जाती है, या फिर वो मतलब शूट कर देता है या फिर गोली चला देता है, तो आप मतलब जो रेंज जो रहेगी उस रेंज से आप क्या है अलग हट जाएंगे। देखिए कैसे करके, ये देखिए अपन क्या कर रहे हैं, इस रेंज से क्या कर रहे हैं, अलग हट रहे हैं। देखिए और अलग हटते हुए क्या कर रहे हैं, अपन मतलब छुड़ा रहे हैं। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से। देखिए मैं आराम से करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा बिल्कुल गन को घुमा दे, बिल्कुल रियल की जो गन रहती है वो लोहे की रहती है। सामने वाला यदि उसको पकड़ा रहेगा तो उसकी जो मतलब जो हैंड जो है वो घूम जाएगा, सीधी सी बात। इसको यदि मैं घुमाऊंगा तो ये गन ही टूट जाए, क्योंकि ये प्लास्टिक की है। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए ऐसे करके, और उसके बाद आप मार सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या होता है, सामने वाले दुश्मन ने पूरे माथे से ही अड़ा दी है गन को, देखिए इस तरीके से अड़ा दी है। उस कंडीशन में देखिए आपको क्या करना है, देखिए इसमें भी सेकंडों का काम है। देखिए देखिए किस तरीके से करना है, मैं पहले स्पीड में करके दिखाऊंगा। देखिए
इस तरीके से आपको ऊपर की साइड करना, देखिए ऐसे करके, और सीधा बिल्कुल ये पैर उठाएं, और सीधा उठाने के बाद इधर पे मार दें बिल्कुल पूरी ताकत से। इस हैंड को छोड़ना नहीं है, कि छोड़ देंगे सामने वाला फिर से शूट कर सकता है। एक बार और मैं स्पीड में करके दिखा रहा हूं, देखिए जितना आसान मैं करके दिखा रहा हूं उतना ही आसान होता है। देखिए ऐसे करके इस तरीके से सीधा बिल्कुल उठाएं, और उठाने के बाद क्या करें आप, किक मार दें आप बिल्कुल पूरी ताकत से। इसके बाद है आप हैंड को भी घुमा सकते हैं, देखिए जैसे गन को आपको छुड़ाना, देखिए अड़ा के रखो बेटा, ये देखिए इस तरीके से ऐसा आप करें, और सीधा बिल्कुल इधर से क्या करें घूम जाए, बिल्कुल घूम जाओगे तो गन कहाँ जाएगी, अपने हाथ में आ जाएगी। जितना आसान मैं करके दिखा रहा हूँ उतना ही आसान होता है। यदि आप नहीं हटेंगे सीधी सी बात, वो लोड तो करके लाया आपको ठोंक देगा और आप मर जाएंगे सीधी सी बात। लेकिन यदि आप डिफेंस करते हैं तो बचने के चांस है। मेरे कहने का मतलब ये, यदि आप डिफेंस नहीं करेंगे तो मरना आपका निश्चित है, सामने वाले की मानसिकता यदि आपको मारना है। लेकिन यदि आप डिफेंस कर रहे हैं तो बचने के चांस हैं, 10% चांस है, 20% चांस है, 90% तक चांस है यदि आप डिफेंस कर रहे हैं तो। एक बार और देखिए, मैं आराम से आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से, मतलब ये इसने सामने वाले लड़ा दिया है, अपन क्या करना है हैंड को ऊपर करना है और नीचे बैठ जाना है, बिल्कुल सिंपल। क्या करना है आपको, हैंड को क्या करना है ऊपर की साइड करना है और नीचे बैठ जाना, देखिए इस तरीके से, ये ऐसे करके देखिए, ये रेंज कहाँ चली गई, इधर चली गई, मतलब गोली चलेगी भी तो कहाँ चलेगी, इधर। अब ये हैंड ऐसे नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि अपन ने तो नीचे करो बेटा, हैंड को नीचे करो, मतलब गोली मेरी साइड करो, देखो नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि मैंने इनका जो हाथ है वो पकड़ के रखा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए एक कंडीशन और होती है, ऐसे आप कमेंट भी करेंगे कि सर कोई दूर से गोली मार दे तो, दूर से मार देगा भाई, और यदि आप ऐसे कर खड़े हैं, जैसे समझ लीजिए आप दूर से मुझे गोली मार रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जैसे गोली मार रहे हैं और मैं देखिए ऐसे करके खड़ा हूँ, तो सामने वाले को बिल्कुल आसान लगेगा कि नहीं निशाना लगाना, आप खुद सोच के देखिए आसान लगेगा कि नहीं, आप खुद बचाइए राम, आसान लगेगा कि नहीं। लेकिन जैसे आप गोली मार रहे हैं और मैं इधर उधर हो रहा हूँ, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा नहीं निशाना लगाने में। तो आपको भी दोस्तों वही करना है, आपको एक जगह पे मूर्ति बन के खड़े नहीं रहना है। यदि सामने वाला दूर से भी यदि गोली मार रहा है, तो दूर से गोली मार रहा है तो आपको इधर उधर हलचल करना है, या फिर इधर उधर छुपने की जगह आपको देखना, क्योंकि सामने वाले के हाथ में गन है। लेकिन यदि आप ऐसे करके खड़े हैं बिल्कुल ऐसे करके कि हाँ भैया सामने वाला तो बिल्कुल ऐसे करे, तो वो बिल्कुल आराम से ऐसे कर निशाना लगाएगा और ठोंक देगा, सीधी सी बात है। आप समझ गए होंगे कि सामने वाला यदि दूर से यदि मार रहा है तो आपको हलचल करना है, इधर उधर होना है, ना कि एक जगह पर यदि खड़े रहेंगे सामने वाला, मतलब बहुत आसान हो जाएगा उसको गोली मारने के लिए। अब देखिए आखिरी कंडीशन में देखिए, जैसे पीछे की साइड देखिए इस तरीके से ऐसे अड़ा दें ऐसे करके, तो फिर किस तरीके से आप बचाव करेंगे और किस तरीके से सामने वाले को मारेंगे, देखिए ये इन्हें अड़ा दी, देखिए सिंपल बिल्कुल, देखिए इस तरीके से आपको करना और इस तरीके से ये ऊपर की साइड उठा देना, देखिए ये सिंपल बिल्कुल। उसके बाद इधर पे मारेंगे सामने वाले को गन छोड़नी ही पड़ेगी, सीधी सी बात है। इसमें भी बिल्कुल सेम कंडीशन है, यदि आप नहीं करेंगे तो सामने वाला आपको मार देगा गोली, या फिर वो जो बोल रहा है वो आपको करना पड़ेगा। फिर से अड़ाओ बेटा, देखिए इस तरीके से कर लिया है, ये देखिए ऐसे करके, ये सीधा बिल्कुल ऐसा हैंड को उठा दू कैसे, ये देखिए ऐसे करके, और ये ऊपर की साइड बिल्कुल, उसके बाद सीधा आप पंच मार सकते हैं ऐसे करके। अब देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड में करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपको ये देखिए इस तरीके से सीधा बिल्कुल गन कहाँ आ गई, ये आ गई मेरे पास, इतना आसान है। आसान कब होगा, जब आप ट्रेनिंग करेंगे मेहनत करेंगे। लेकिन याद रखें दोस्तों, गन है सामने वाले के हाथ में, यदि आप डिफेंस करेंगे तो बचने के चांस है, यदि आप डिफेंस नहीं करेंगे तो मरने के आपके 100% चांस है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर ले सब्सक्राइब, दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। दोस्तों आज हमारे साथ हैं हमारे क्लास के सीनियर स्टूडेंट है राम चौरसिया, जो कि 3 से 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं को मैंने वीडियो में लिया, क्यों, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। याद रखें दोस्तों, मैं आपको केवल इतना चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लें। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।